हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग लिंकेज में से पढ़ रहे थे। जनरली वहाँ पर हम आपको वर्णनात्मक के बारे में बताए थे। आज से हम लोग को जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या होता है ये इसको ध्यान से समझना है। ये बाकी अलग अलग चैप्टर में भी यूज होंगे और साथ ही साथ ये हायर क्लासेस के लिए भी है। तो इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, आसान है। इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि उत्परिवर्तन होता क्या है। उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी भी जीव में उत्पन्न विशाल असतत भिन्नता होता है। जो क्या होता है, किसी भी जीव में अचानक से क्या होता है, प्रकट होता है। ये विशाल असतत भिन्नता क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं जो उनके जो पूर्वज हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो कुछ ऐसे गुण का विकास हुआ है उस जीव के अंदर जो पहले से उसके पूर्वजों में या किसी में मौजूद नहीं है। ऐसे लक्षण जब अचानक से प्रकट होते हैं तो वो लक्षण जो होते हैं वो उस व्यक्ति को, उस जीव को क्या करते हैं, बाकी लोगों से भिन्न बनाते हैं। और जब वो जीव जो होता है वो बाकी लोगों से भिन्न हो जाता है लक्षण और गुण के आधार पर, ये जो गुण या लक्षण जो अचानक से उत्पन्न हो रहे हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। और ये जो उत्परिवर्तन को शो करने वाला जीव होता है उसको क्या बोला जाता है, उत्परिवर्तित जीव बोला जाता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन क्या होता है हेडिंग डालेंगे और बारी बारी से समझेंगे। उत्परिवर्तन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? किसी भी जीव में विशाल या उत्पन्न होने वाले विशाल असतत भिन्नता को विशाल असतत भिन्नता को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे जीव जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तित जीव कहा जाता है। इसी में लिखेंगे तथा ऐसे जीव जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं उसे उत्परिवर्तित कहा जाता है। तो कह रहा है कि किसी भी जीव में उत्पन्न होने वाले विशाल असतत भिन्नता, ये भिन्नता क्या है, ये ऐसी भिन्नता उत्पन्न हुई अचानक से जो उस जीव को उसके पूर्वजों से, उसके बाकी सदस्यों से क्या करेगा, अलग दिखाएगा। तो ऐसे भिन्नता को उत्पन्न होने के कारण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे जीव जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है ऐसे जीव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्परिवर्तित जीव बोल रहे हैं। अब ये जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है इसके कई कारण होते हैं उत्परिवर्तन उत्पन्न होने के लिए। तो ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होते हैं ऐसे कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट म्यूटाजीन क्या होता है? ये कारक होते हैं जो किसी भी जीव में परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होते हैं, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होते हैं म्यूटाजीन कहलाते हैं। म्यूटाजीन कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है। ठीक है, इसमें से हम लोग देख सकते हैं पहला होता है आयोनाइज। एग्जाम्पल में आयोनाइज रे में कौन कौन आता है? एक्सरे आ गया, एक्सरे के कारण म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अल्फा बीटा
गामा रेज, ये सब के सब जो रेज हैं ये कैसे होते हैं, आयोनाइज होते हैं, इनका पेनेट्रेटिंग पावर क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा होता है नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, इसके अंदर आ जाता है यूवी रेज, और ये जो यूवी रेज है इसका लेस पेनिट्रेटिंग पावर होता है, पेनिट्रेटिंग पावर। इसके बाद कुछ केमिकल आ जाते हैं, और केमिकल में कौन कौन होगा, केमिकल में आता है फॉर्म एल्डिहाइड हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, और मस्टर्ड गैस, फिनोल। ये सब के सब जो है ये ऐसे रसायन हैं, ऐसे गैस, ऐसे केमिकल हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, और ये रेडिएशन जो है इनके कारण भी क्या होता है, म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो ये सब कारण जो है वो म्यूटेशन उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, भिन्नता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, इसलिए इन सभी कारकों को क्या कहा जाता है, म्यूटाजीन कहा जाता है, और म्यूटाजीन के कारण ही किसी भी जीव में क्या उत्पन्न होता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो पढ़ना है वो उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के प्रकार। अब ये उत्परिवर्तन जो होता है उसको पहले हम लोग फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। उत्परिवर्तन वर्तन जो होता है इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपका होता है गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं बिंदु बिंदु या जीन उत्परिवर्तन, ये क्या है, गुण सूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय कहेंगे। और डीएनए के क्रम में, डीएनए जो होते हैं वो कई नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं, और उस न्यूक्लियोटाइड का वास्तविक क्रम होता है, अगर उस क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु या जीन उत्परिवर्तन। या कह सकते हैं कि एक जीन या एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है उत्परिवर्तन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु या जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। अब ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको भी दो भागों में बांटा जा रहा है, कि ये संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है कि संख्या में परिवर्तन के कारण, और इसके आधार पर भी इसको कई भागों में बांटा गया, दो भागों में। देखिए पहला जो इसको टाइप बांटा गया है वो संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन के कारण, और दूसरा जो होता है वो होता है संरचना में परिवर्तन के कारण, संख्या में परिवर्तन के कारण या संरचना में परिवर्तन के कारण। अब संख्या में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो पूरे सब के सब सेट में परिवर्तन होगा, गुणसूत्र के संपूर्ण सेट में वृद्धि होगा, या गुणसूत्र में किसी एक दो या एक या दो क्रोमोसोम की वृद्धि होगी। तो इसके आधार पर संख्या में परिवर्तन को भी दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझते जाइएगा। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सगुणिता, या यूप्लोइडी इंग्लिश होता है, और दूसरा होता है असगुणिता का मतलब होता है एन्यूप्लोइडी।
ये सगुणिता में क्या होता है, गुण सूत्र के संपूर्ण सेट में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो हेप्लोइड होता है। हेप्लोइड, हेप्लोइड का मतलब है एन। किसी भी जीव में अगर मान लेते हैं एन गुण सूत्र है तो वो क्या हो गया, 2n हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे एक सेट में वृद्धि हो रही है। और जब गुण सूत्र के पूर्ण सूत्र में सेट में वृद्धि होती है तो ऐसे उत्परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, सगुणिता या यूप्लोइडी बोलते हैं। हेप्लोइड हो गया डिप्लोइड, तो डिप्लोइड जो होता है द्विगुणी जिसको बोलते हैं, ये 2n का एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से ट्रिप्लोइड हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड 3n हो जाएगा। इसी प्रकार से टेट्राप्लॉइड हो जाएगा 4n, या पॉलीप्लॉइड कह सकते हैं 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो पॉलीप्लॉइड भी लिख सकते हैं नीचे एग्जांपल में पॉलीप्लॉइड, और ये हो जाएगा 3n, 4n, 5n इस प्रकार से। तो क्या हो रहा है, किसमें n से, जैसे मान लेते हैं किसी भी जीव में एन क्रोमोसोम है तो ये एक सेट क्रोमोसोम है। अगर एन एक और ऐड कर तो ये एक सेट और ऐड हो रहा है, तब ये 2n हो रहा है। तो पूर्ण सेट में, पूरे के पूरे सेट में वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर वृद्धि हो क्रोमोसोम में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सगुणिता या यूप्लॉइडी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एन, 2n, 3n और 4n, 5n इस प्रकार से। अब असगुणिता होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के पूर्ण सेट की वृद्धि नहीं होती है, सिर्फ क्रोमोसोम का जो द्विगुणित सेट होता है। जैसे किसी भी जीव के अंदर 2n क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो गई, कहीं पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, कहीं पर एक क्रोमोसोम की क्या हो, दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो गई, कहीं पर दो क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या था, एन से वृद्धि हो रहा था, पूरे पूरे सेट का वृद्धि हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक या दो क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या एक या दो क्रोमोसोम घट रहे हैं। और इसके आधार पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असगुणिता बोलते हैं। तो असगुणिता का सीधा सा मतलब है, जब क्रोमोसोम के द्विगुणित सेट में एक या दो क्रोमोसोम की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके आधार पर इसको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला होता है मोनोसोमी, मोनोसोमी, मोनोसोमी में क्या होता है कि किसी भी जीव में अगर 2n क्रोमोसोम है तो उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 2n माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नलीसोमी, नली सोमी। किसी भी जीव में अगर 2n क्रोमोसोम है तो उसमें दो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर दो क्रोमोसोम कम हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नलीसोमी बोलेंगे। इसी के बाद तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी जीव में अगर 2n क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होगा, +1, एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाएगी। एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंट करना है। और एक होता है टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव में 2n क्रोमोसोम है तो दो क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये असगुणिता होता है, जिसमें इसके बाद पढ़ना हम लोग के संरचना में परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के प्रकार। अब नेक्स्ट आता है संरचना में परिवर्तन के कारण। तो संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है इसको भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इसमें पहला जो आता है इसमें क्या होगा, वो होता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम का गुणसूत्र का कोई भाग, एक भाग डिलीट हो गया। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम से बीच वाले खंड का अभाव हो जाता है। और जब क्रोमोसोम के बीच वाले खंड का अभाव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना, खंड का अभाव होना, वही है डिफिशियंसी। इसको क्यों बोलते हैं, डिफिशियंसी का मतलब होता है, डिफिशियंसी का मतलब है कि गुण सूत्र जो है उसके अंतिम वाले खंड का, इसमें बीच वाले खंड का अभाव हो रहा था तो उसको डिलीशन कहेंगे। जब गुण सूत्र के अंतिम खंड का, किसी भी अंतिम खंड का अभाव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसलोकेशन,
ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो समजात गुण सूत्र होते हैं, समजात गुण सूत्र हम आपको बताए हैं कि जब दो ऐसे गुण सूत्र जो संरचना में, आकार में, बनावट में एक जैसे हों तो उनको हम लोग समजात गुण सूत्र कहते हैं। तो जब दो समजात गुण सूत्र के जो जीन होते हैं वो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्रॉसिंग ओवर में कि इधर का जीन टूट करके उधर चला गया था और उधर का जीन टूट करके इधर, तो इस प्रकार से अगर जीन का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके बाद आता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए किसी भी क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नाम ए से है तो वो एक ही था पहले, लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो दो गो हो गया, ए दो गो हो गए। तो इस प्रकार से एक ही क्रोमोसोम को रिपीट करना क्या कहलाता है, एक ही जीन के एक ही प्रकार को रिपीट करना क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। तो जब क्रोमोसोम में किसी खंड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, उसका डुप्लीकेट बनता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। और एक और आखिरी आता है जिसको बोलता है इनवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम खंड होते हैं वो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से क्रम में है, तो उसमें से कुछ खंड जो होते हैं वो विपरीत होकर के रिपीट कर जाते हैं। जैसे सीधा सा एग्जांपल समझें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से क्रम था जीनों का, वो क्रम क्या हो गया इस प्रकार से चेंज हो गया 1 2 3 6 5 4, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, ये जो क्रम है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। और जब क्रम उल्टा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं। तो ये पांच जो है वो किसके आधार पर है, संरचना में परिवर्तन के आधार पर है। अब इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो बिंदु उत्परिवर्तन देखना है, पॉइंट म्यूटेशन देखना है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन के डीएनए के अनुक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या एकल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो बिंदु या जीन उत्परिवर्तन है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला जो आता है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस या एक प्यूरीन या पायरिमिडीन का परिवर्तन। ये प्यूरीन या पायरिमिडीन क्या होता है वो थोड़ी देर में आपको समझ लेंगे, जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब। प्रतिस्थापन जो होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका प्रतिस्थापन में, बिंदु उत्परिवर्तन में, वो होता है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। ये इम्पोर्टेंट है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन क्या होता है, जो कोडोन होता है उस कोडोन में क्या हो जाता है, कोडोन, एक कोडोन जो है वो दूसरे कोडोन से रिप्लेस कर जाता है किसी एक नाइट्रोजन बेस के ऐड या डिलीट होने के कारण, तो उसको हम लोग फ्रेम विस्थापन कहते हैं। और ये फ्रेम विस्थापन जो होते हैं इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डिलीशन, डिलीशन, और दूसरा होता है एडिशन, 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 डिलीशन या एडिशन। तो ये जो आपके सामने है इतना फ्लो चार्ट, ये म्यूटेशन का है। एडिशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंसर्शन, इंसर्ट करना, ये है। इसके बाद भी म्यूटेशन जो है उसको और कई बेसिस के आधार पर बांटा गया है, कौन से कोशिका में हो रहा है इसके आधार पर उसको सोमैटिक और जन्म उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, दो प्रकार में बांटा गया है। फिर इससे क्या होता है, आउटकम इसका क्या है, इसके आधार पर भी उसको सेंस, एंटी सेंस और मिसेंस इस सब में बांटा गया है। तो उसके उसको इसको खत्म करने के बाद उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यह है आपका उत्परिवर्तन। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बारी बारी से, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्परिवर्तन हो गया था, बारी बारी से लिंक डालेंगे, इसको पहले नोट करिए। हेडिंग डालेंगे गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन, गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन, गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन। ये क्या होता है,
ऐसे उत्परिवर्तन परिवर्तन जो गुण सूत्र के संख्या या संरचना गुण सूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं उसे गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसी में लिख सकते हैं एक और चीज कि ये जो उत्परिवर्तन होते हैं इनसे उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन जो है उसके लक्षण जो है वो आपको बाहर से दिखाई देते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा उत्परिवर्तन है जो फिनोटाइप में क्या होता है दिखाई देता है। ऐसे उत्परिवर्तन को भी हम लोग क्या कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन फिनोटाइप में, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप में दिखाई देता है, फिनोटाइप में दिखाई देते हैं। अब ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इनको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांटे हैं। किसके आधार पर? संख्या में परिवर्तन के आधार पर और संरचना में परिवर्तन के आधार पर। तो हेडिंग डालेंगे संख्या में परिवर्तन के आधार पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार। संख्या में परिवर्तन के आधार पर गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार, गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार। तो संख्या में परिवर्तन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला जो था उसको हम लोग सगुणिता या यूप्लॉयडी कहते हैं। यूप्लॉयडी क्या होता है? जब गुण सूत्र के द्विगुणित सेट में पूर्ण रूप से वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सगुणिता कहते हैं। जब गुण सूत्र के संपूर्ण सेट में या द्विगुणित सेट में, पूर्ण रूप से वृद्धि होती है, तो उसे उसे सगुणिता कहा जाता है, सगुणिता कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे एन है तो इसको हेप्लोइड बोले थे, हेप्लोइड। अब ये एन जो है उसे मान लीजिए वृद्धि हुआ तो वो टू एन हो जाएगा। किसी भी जीव में एन था पहले, अब वो कितना हो गया? टू एन। तो ये क्या हुआ? एन का वृद्धि हो रहा है, पूर्ण रूप से वृद्धि हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लोइड बोलेंगे। और जब इस प्रकार से क्या हो रहा है, संपूर्ण सेट में वृद्धि होगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सगुणिता बोल रहे हैं। टू एन मान लीजिए किसी भी जीव में है वो कितना हो गया? थ्री एन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोइड कहेंगे, ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड। या मान लीजिए किसी भी जीव में थ्री एन क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा? फोर एन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राप्लोइड बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड। या मान लीजिए किसी में फाइव एन हो गया, सिक्स एन हो गया। इस प्रकार से एन की मात्रा में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सगुणिता बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली पोलाइड। तो ये जो होता है पॉली पोलाइड, ये सब के सब जो है वो क्या शो करते हैं? सगुणिता को शो करते हैं, सगुणिता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं असगुणिता, एन्युप्लाइडी। दूसरा होता है असगुणिता या एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी। इसको क्या बोलते हैं? जब गुण सूत्र के, जब गुण सूत्र के संपूर्ण सेट में एक या दो क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम या गुणसूत्र की वृद्धि या कमी होती है,
या तो एक या दो क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे नया बन जाएंगे, या एक या दो क्रोमोसोम जो पहले से भी थे उसमें से भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसे असगुणिता कहा जाता है। असगुणिता कहा जाता है। अब इसमें से क्या होगा असगुणिता में, इसमें भी कई एग्जाम्पल होते हैं। पहला जो एग्जाम्पल होता है आपका ए, वो होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होता है, इसमें हम आपको बताया कि गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की क्या होती है, हानि हो जाती है। इसमें लिख सकते हैं जब द्विगुणित सेट से एक क्रोमोसोम की हानि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। इसमें करने कैसा करें, मान लीजिए किसी भी जीव में 2n पहले से क्रोमोसोम था, तो एक क्रोमोसोम की हानि अर्थात -1। तो इस प्रकार का कंडीशन उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव में क्या है 44+XY क्रोमोसोम है पहले से, या XX क्रोमोसोम है जो फीमेल में होता है, तो 44 ऑटोसोम और एक क्या होता है लिंक क्रोमोसोम, जिस प्रकार से फीमेल में प्रेजेंट है। अब एक क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो 44+X0 इस प्रकार से अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। तो ये इधर जो हम लिख रहे हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलेंगे आपको कि 44+X0 ये कौन से कंडीशन को, 44+X0 जो है वो कौन से कंडीशन को दिखा रहा है, तो ध्यान रखना होगा मोनोसोमी। क्यों, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम कौन है और कम है, और वो कौन सा एक्स क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम कम है, तो वो एक्स क्रोमोसोम कम है। इसी प्रकार से दूसरा जो आता है वो होता है नली सोमी। नली सोमी क्या होता है, जब द्विगुणित सेट में या सेट से दो क्रोमोसोम की हानि होती है। दो क्रोमोसोम की हानि होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी जीव में 2n क्रोमोसोम है, अब दो क्रोमोसोम की हानि करना है, तो 2n माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके कंडीशन क्या हो जाएंगे, 44+00 भी हो सकते हैं, या इधर ले सकते हैं 43+X0 भी हो सकता है, इधर से भी ये कम हो गया, इधर से भी ये कम हो गया, तो दो कम हो गया, तो इस तरह से कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या में अगर एक कमी हुआ तो उसको हम लोग मोनोसोमी बोलेंगे, और दो क्रोमोसोम की संख्या एक साथ कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नलीसोमी बोलेंगे। इसके बाद सी जो आया था उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट करना है या कि डाउन सिंड्रोम में पढ़ना है। ट्राइसोमी क्या होता है, जब द्विगुणित सेट में एक क्रोमोसोम, इसको उधर लिख देते हैं 43+X0, द्विगुणित सेट में एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, एक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, जैसे किसी भी जीव में पहले से कितना क्रोमोसोम था, 2n क्रोमोसोम था, तो अब एक क्रोमोसोम की वृद्धि करना है तो क्या हो जाएगा, +1। अर्थात मान लीजिए कि किसी भी ह्यूमन के फीमेल के अंदर 44 क्रोमोसोम मौजूद है तो वो बढ़ेगा, 44+XX पहले से मौजूद था, अब वो क्या हो जाएगा, 44+XXY हो गया, या 44+3XY हो गया, तो इस प्रकार से एक सेट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 44+XX और वाई, ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर जुड़ गया है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। और एक और आखिरी होता है उसको बोलते हैं टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्या हो जाएगा, जब द्विगुणित सेट में दो क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, जब द्विगुणित सेट में दो क्रोमोसोम की वृद्धि होती है, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो
यहाँ लिखते हैं ये क्या बोलेगा, टू एन है किसी भी जीव में तो क्या हो जाएगा, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू। और अगर इस रूप में इसको देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा 44 प्लस एक्स 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 और 5 इस प्रकार से। तो ये जो है ये गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन के कारण है। अब आगे हम लोग देखेंगे वो संरचना में परिवर्तन के कारण उन परिवर्तन के प्रकार देखेंगे, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन है, आपका ट्राइसोमी है, नोट करिए। तो संरचना में परिवर्तन के कारण हम लोग उत्परिवर्तन के प्रकार जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सभी अगले क्लास में पढ़ेंगे।